हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज अब जैसे कि आप सबको पता है कि जोआ की डिलीवरी है विद इन कपल ऑफ डेज, तो रोहित आया हमें ज्वाइन करने जस्ट बिकॉज विल बी नीडिंग हेल्प ऑफ अ नियर एंड डियर वंस। तो हमने कहा यार तू भी आ जा, तो रोहित आ गया है। उसने लीव लिया दो दिन की एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, वॉज वेरी एक्साइटेड। ही सेड सर चाचा बन रहा हूँ, आना तो पड़ेगा ही, सो ही इज़ हियर और आ चुका है वो। अब हम रोहित के साथ आज लंच पे जाने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आज दिन में करेंगे, जो जो भी करेंगे ब्लॉग करेंगे। हो सकता है कुछ एक आध दिन ब्लॉगिंग ना कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द हेक्टिक स्केड्यूल, बट जितनी जितनी चीज़ें हम ब्लॉग में उतार सकेंगे ज़रूर उतारेंगे, सो विल डू दैट। अभी रोहित आ चुका है, लंच पे चलते हैं और वहीं से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप सबको एक अच्छा सा गुड मॉर्निंग बोलना था, भूल दिया। एंड नाउ आई गेस ह्यूमिडिटी थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग इट फील्स गुड बिकॉज और कम होता जाएगा तो और अच्छा रहेगा, आने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो वी आर डन विद द मेन्यू, अब हमने डिसाइड कर लिया हम फटाफट से ऑर्डर करेंगे। और एक अपना एक वेजी स्वीट है, वेजी पैराडाइज, एक वेजी पैराडाइज और एक मिनी था। वॉश प्लेट है सो हमारा पहला डिश आ चुका है, दैट इज गोलगप्पा एंड ऑलवेज। लास्ट टाइम मैंने ये था वीडियो किया, अब वही टेस्ट करेगा बता। चलो ब्रो, ये तो पूछ लो कौन सा पानी लेंगे, तो उसको थोड़ा खिला रहा हूँ, पहले टेस्ट तो मैं ही कर रहा हूँ, रिव्यू रोहित देगा। इससे मैंने भी इसी टिश्यू पेपर से मैंने भी नोज क्लीन की थी और रोहित कैसा बोलगा पहले ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तुम्हें हक ही नहीं सिंगल में बैठने और तुमने ऐसा बोल दिया, इतना टेस्टी गोलगप्पा है। तो एक बार खाओ, एक बार खाओ। सो हियर कम्स इमरती, कैसी रोहित है ये देखा मैं, कैसे अभी गर्म गर्म है, थोड़ी शौकी थोड़ा सा और ठंडी होगी तो और बेटर लगेगी, ज़्यादा कलरफुल नहीं अच्छी। ये सब अलवर जाते हुए ज़्यादा अच्छा, जब द्वारका में मैं ज़्यादा तब्दी से खाता था, आज भी देसी का अच्छा है, दोनों चीज़ अच्छी है ना भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कम्स स्प्रिंग रोल्स, जो कि रोहित ने ही बनाया है, इसको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, सो रोहित ने बनाया है, रोहित थोड़ी टेस्ट करते हैं। जी अच्छा गर्म है थोड़ा, आज रोहित को परेशान कर देंगे ये करेगा अंकू, अच्छा हुआ देखो आप नहीं आए, मैं रोहित को पूरा परेशान करूँगा। हाँ जी, और ये पता कैसा है, ये तीखा भी खाना था, उसको चटनी भी अच्छी लगती है। हम चाहे चाइनीज़ खाएं चाहे इंडियन खाएं, सिरका प्याज और चटनी तो चाहिए ही चाहिए, क्यों सर? हाँ सर, हमारा फेवरेट मंगल। तो ये कम थाली, थाली में है दाल मखनी, वॉट इज़ द शाही पनीर, रायता, सैलड, राइस एंड चपाती। जो जो रिव्यू दीजिए भाई साहब, आपकी फेवरेट मील है, पता नहीं इसके बाद आपको कब बाहर का खाना खाने को मिलेगा। हाउ इज दाल कूल, हाँ एक बार पनीर भी टेस्ट करके बताइए, ग्रेवी के साथ कर लो बस।
स्वीटी साइड पे कूल। चलिए थाली का रिव्यू हो चुका है। सो अभी डन में पैच हम लोग निकल चुके हैं शिमला पे। और एक और चीज़ हमने मंगा ली थी पिज्जा, बट हमसे खाया नहीं गया हम लोगों का, सबका ओवर एंड आउट हो गया था। तो मेक श्योर कि हमको टेक अवे करा लिया, हमने करा लिया है, उसका रिव्यू आपको आज हम लोग घर पर जाकर देंगे। बट खाना बहुत ऑसम। रोहित कैसा लगा खाना देखो? बढ़िया। कम बताओ किसने खाया? सबसे कम आज खाया मैं। रहने दो, आज सबसे कम मम्मी ने खाया। मम्मी को हो रही टेंशन? नहीं नहीं, सबसे कम खाया रोहित ने। नहीं मम्मी को पता क्यों टेंशन हो रही थी? मम्मी यारी कल तेरा सिजेरियन है, क्या होगा? मम्मी यारी पहले तो मैं पहले ही होगा क्या? अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने एक बताया, एक ही आएगा बाहर, तीन चार नहीं आएंगे। रोहित भैया को छोड़ो, आपने कितनी रखी? चाचा बन रहा है ना? चाचा तो बन रखे पहले भी। किसके बनवा दी? मैंने कब कौन से दुख पहले करवा दिया? अबे हमारे नहीं, अपने उधर तो बने होंगे। मैंने कहा तो मेरे लिए कह रही हूँ, मैं तो नहीं बना। अच्छा, नहीं बना अभी तक, नहीं बना। अब रोहित पहली बार चाचा बन रहा है, और चाचा बनने की खुशी में रोहित खूब दबा के पैसे उड़ाता है। और आप पापा बनने की खुशी में उड़ा कितने रहे वो बताओ? मैं तो कुछ नहीं, वही उड़ाऊंगा, सत्यम को साथ रखूंगा, कहूंगा उठा लियो जैसे गिरा। ठीक है सत्यम, उठा लियो सारे नोट, घर का पैसा सत्यम, घर ही आना चाहिए वापस। मेरी जो है ना रिंकल, जो मतलब नेहरू की जो मतलब मेड है, कह रही है दीदी अगर जीजू मतलब पैसे उड़ाएंगे ना तो आप मुझे बुलाना, मैं वहीं बैठ जाऊंगी, मैं उठा लूंगी सारे पैसे। तुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, सत्यम से पहले तो बता रहा हूँ, रोहित चार्ज अप मिलेगा इस काम के लिए। रोहित कहेगा साला इसको तो कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे को तो मेरा, मैं रख लूंगा पैसे सारे उठाए। क्या कह रहे हैं रूम में उड़ाना, रूम में सही रहेगा। बट रोहित खुश है, रोहित उड़ाएगा पक्की। मौसम भी अच्छा है, गर्मी बहुत है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बट गर्मी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली मोर देन दैट ह्यूमिडिटी है, हवा भी चल रही है। थोड़ा अब हो क्या रहा है कि हम एसी से एकदम निकल रहे हैं, तो हमको थोड़ा अजीब लग रहा है। बेटर है फिर भी, रोहित अलवर से तो बेटर है ना यहाँ पे थोड़ा? अलवर से तो बहुत, अलवर तो रोहित बता रहा है बहुत गर्मी है, और यहाँ तो फिर भी बारिश हुई। रोहित कह रहा है वहाँ तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, जबकि यहाँ तो काफी बारिश हुई है। कई बार अभी देखा था मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एंड में कितनी बारिश थी, नीचे पूरा तालाब बन गया था लिटरली ग्राउंड। तभी बारिश हुई थी जब तीन चार दिन पिछले महीने नहीं हुई थी, जुलाई में वही बारिश हुई थी। चलो बट आई होप यहाँ पे तीन दिन का कह रखा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि तीन एक दिन बारिश हो। तो बारिश होगी तो रोहित यहाँ के रेन में एंजॉय करेगा, और कल बस हमारा जजमेंट डे है तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और रोहित तो जोशना और उसकी मदर ज्यादा टेंस है, मैं उतना नहीं हूँ। I'm leaving it to God. जो होगा देखा जाएगा, सब अच्छा ही होगा वैसे भी। जो होगा देखा जाएगा, क्या मतलब सब अच्छा होगा? But मैं तो अगर लड़की हुई तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. अभी हम लोग का आज 23rd है, and then जो आके delivery date. So अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और बस एक बार मंदिर जा रहे हैं, मंदिर प्रे करेंगे और फिर फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचेंगे, बिकॉज हम लोगों को 8 o'clock पहुँचना है वहाँ पर। और प्रोसीजर कितने बजे है जो आपका? 11 बजे शिल्पी नोटी, और बस 11 से 12 के बीच में फिर गुड न्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हम फिर आपको रिवील करेंगे क्या हुआ कैसे हुआ, तब तक आपको सारी चीज़ दिखाएंगे। अभी फिलहाल फटाफट से चलते हैं मंदिर, मंदिर से सीधा निकलेंगे हॉस्पिटल, फिर वहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा हॉस्पिटल में भी एक इशू हो गया था, तो आपको बाद में जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हुआ क्या था। तो एक बार उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए हमको, फटाफट से क्लैरिटी लेंगे और निकलेंगे। अभी चलते हैं फटाफट से मंदिर। चलिए
ठीक है मैडम, 8 बजे तक हमें सारे एडमिशन जो हमारे लिए प्ले करनी है पड़ा बच्चे से। बस हम लोग पौने 8 बजे तक होते थे पहुँच जाएंगे। आज जो सर ज्यादा उसकी मम्मी नर्वस है, मैं नर्वस ज्यादा आप फिर जब एक बार शॉर्ट हो जाएगा फिर हम आप लोगों को बताएंगे। अभी क्या हो रहा है, मेरे को भी थोड़ा प्रेशर बन रहा है, क्या थोड़ा प्रेशर बन रहा है। फर्स्ट आई गो टू द वॉशरूम। मुझे ये सही लगता है पेशेंट खुद जा रहे हैं। रिसेप्शन का अभी